मैं श्री प्रकाश सिंह लौकी बाबा बहुत लोग अब हमको कहने लगे, वैसे श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी किसान आश्रम ट्रस्ट बनाया हूँ। और यह लौकी जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजाबाद अयोध्या, डॉक्टर एसपी सिंह ने विकसित किया था। इसको मैं 10-12 साल से लगा रहा हूँ और इसका बीज बना बना करके देश के कोने कोने में बांट भी रहा हूँ कि घर की लौकी तैयार हो जाए, लौकी फायदेमंद चीज। अच्छा, अब आपको बता दें मन की बात। अब 40 वर्षों से मैं ये सब कर रहा हूँ। काशी प्रांत में बनारस के गंगा के किनारे, मिर्जापुर तक, जहाँ जहाँ तक गंगा के किनारे मैं परिक्रमा किया और जो है लोगों को गंगा किनारे जो सब्जी लगाते हैं उन लोगों को बीज उत्पादन और जैविक खेती का प्रशिक्षण और देसी बीज का महत्व मैं सन 1989 से बताते चला रहा हूँ। अब आप जोड़ लीजिए कि 2023 है। फिर इलाहाबाद दारागंज में गंगा जी के किनारे मैं प्रवास किया, करीब 10-12 साल, 15 साल इलाहाबाद में रहा। गंगा किनारे कौशाम्बी, इधर उधर कानपुर और आगरा, यमुना के किनारे, दिल्ली, तमाम घूमते घामते फिर चले गए बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम के आसपास बीज दान महादान करते हुए फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नहीं कर्नाटक अभी नहीं पहुँचा हूँ, उड़ीसा और आपके जो है बंगाल, आसाम, कई प्रांतों का मैं भ्रमण किया। और मेरे मन में जो भी आता गया शुभ कार्य या रचनात्मक कार्य या लाभकारी कार्य या पूर्वजों का ज्ञान जो मैंने सीखा, प्रैक्टिकली किया, लाभ मिला, वही चीज़ मैं बताता चला रहा हूँ। और मेरा यही प्रयास है कि अंतिम क्षण तक मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि हमारे पूर्वजों की राइट की धरोहर बची रहे। प्रकृति ने मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है। मनुष्य प्राणियों का धर्म और कर्तव्य बनता है कि इस प्रकृति के अनमोल धरोहर को बचाएं और बढ़ाएं। इसीलिए मैं देसी बीज बैंक, स्वदेशी बीज बैंक पूरे देश में बनवा रहा हूँ और फ्री सैंपल भी बांटता हूँ और तकनीकी बताता हूँ कि आप इसको लगा करके आप स्वावलंबी बन सकते हैं। अगर आप मान लीजिए धान गेहूँ तैयार कर रहे हैं तो बाज़ार में 18-20 रुपये किलो बिकेगा और भारत सरकार, राज्य सरकार, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 2-4 गुना हो, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जैसे आप गाय रखिए, गाय के गोबर गोमूत्र से तमाम प्रोडक्ट बनाइए, इसके तमाम विशेषज्ञ हैं, यूट्यूब में आप जो सर्च करेंगे या तमाम गौशालाओं में जाइए वहाँ आपको तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार से मिलिए, नमामि गंगे है और तमाम प्रोजेक्ट हैं, वहाँ जाइए, प्रशिक्षित होइए, कृषि वैज्ञानिक जो कहें उसको अपनाइए, तो जैविक खेती करिए। जैविक खेती कृषि का वह पद्धति है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखते हुए और उसको उपजाऊ बनाते हुए पर्यावरण को शुद्ध करेगा दीर्घकालीन तक। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति काम नियम से करेगी, जब प्रकृति नाम काम नियम से करेगी तो प्राणघातक बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। और आप बीज बनाकर बीज बेचें तो गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के यहाँ, किसान स्वावलंबी अपने आप हो जाएगा। यही सब मेरा सेवा है। जब मैं जैसे आज जा रहा हूँ मध्य प्रदेश, अब वहाँ जाने का एक जाने के पहले मैं अपना आश्रम का पूरा साफ सफाई सुंदरीकरण करके जा रहा हूँ। ये सब उधर दिखा दीजिए, कुर्सी वगैरह लगा दिया हूँ, चौकी लगा हुआ है कि कोई भी भाई मिलने आवे दूर से कम से कम उनको बैठने की जगह हो जाए और बच्चे हैं वो यथाशक्ति सेवा करेंगे उनका। तो मैं जाने के पहले जहाँ भी रहता हूँ उसकी व्यवस्था मजबूत करके फिर आगे बढ़ता हूँ। हो सकता है ये सफर अंतिम हो, कोई गारंटी नहीं है। जीवन मरण जस अपियत, हानि लाभ ये प्रभु के हाथ है, विधि के हाथ है। इसलिए मैं यही संदेश देता हूँ कि आप जब तक रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छा अच्छा कार्य करते जाइए। इतिहास उसी व्यक्ति का है जो आने वाले वारिसानों के लिए कुछ कर गया है, जैसे कबीर हैं, संत कबीरदास हैं, बीरबल हैं,
और तमाम राजा महाराजा राणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर सिंह आज़ाद हैं, ऐसे ऐसे तमाम लोगों का इतिहास है। बस मैं अपने को प्रणाम कर रहा हूँ और घुमा दीजिए जरा आश्रम के चारों तरफ।